हरिणी धीरे धमन्ते सुंदरा धारणी हेम हरिणी धीरे धमन्ते सुंदरा धारणी हेम हरिणी धीरे धमन्ते धर धर कर मृग पळाउछि धर धर कर मृग पळाउछि गोडाउछन्ते रघुमणि हेम हरिणी धीरे धमन्ते सुंदर धारणी हेम हरिणी धीरे धमन्ते केते बेले मृग दृष्टि की नदी से केते बेले दृष्टि। मेरा नाम अक्षय कुमार बरी की है, मैं पट्टचित्र आर्टिस्ट हूँ। हमारा घर रघुराजपुर गांव में है। ये जो गांव है, जब से जगन्नाथ मंदिर है तब से गांव है। ये गांव में क्या होता था ना, जब जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी अनसर घर में पड़ जाते, बुखार में पड़ जाते हैं, यहीं से पट्टचित्र बन के वहाँ जाके मंदिर का अंदर पूजा होता है 1 महीना के लिए। ये पट्टचित्र जो शुरुआत हुआ था जगन्नाथ मंदिर से ही शुरुआत हुआ। ये गाँव में अभी 25 राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, 2 पद्म विभूषण है, 1 पद्मश्री है, 1 डॉक्टर उपाधि है। ये पट्टचित्र को जो शुरुआत किया थे एक आदमी है जगन्नाथ महापात्र, ये पुनराधरण किए थे। अभी तो पूरा गांव फैल गया। मैं पट्टचित्र 18 साल से बना रहा हूँ। मैं ये काज हमारा पिताजी के पास सीखा हूँ। पट्टचित्र आर्ट में मेरे को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला 2011 में। इसके बाद 2014 में मैंने इंडोनेशिया से यूनेस्को अवार्ड मिला। ये जो पट्टचित्र आप देख रहे हैं, ये 2 पुराने कॉटन कपड़ा और तामारिन गम और व्हाइट चौक तीनों चीज़ को प्रोसेस करके कैनवास बनाया। इसके बाद धूप में रखने के बाद हार्ड बन जाता है, इसको पट्टा बोलते हैं। इसमें सब नेचुरल कलर से काम है। ये जो व्हाइट कलर है सी सेल से बना हुआ, उसमें उड़ापलगम मिला हुआ। ये जो ब्लैक कलर बर्निंग लैम्प सूट से बना हुआ, उसमें भी उड़ापलगम बना हुआ। इसमें कृष्ण का स्टोरी बना हुआ, पुतना कृष्ण के साथ युद्ध करे, सगड़ा सूर्य, बकासुर है, संडासुर है, ये अर्घासुर है, केसी है, और ये राधा कृष्ण का पोजिशन है रासलीला है। धीरे धमन्ते सुंदर धारणी हेम हरिणी धीरे धमन्ते रामंकु बहु दूरे खेनी जाई गलाओ दृश्य होई काहे रामंकु बहु दूरे खेनी जाई गलाओ दृश्य होई कहीं फुटिला राम तारो ताड़े बसंते फुटिला राम तारो ताड़े बसंते पूरी छामोरे हिला जाए हरे पूरी छामोरे हिला जाए हेम हरिणी धीरे धमन्ते सुंदर धारणी हेम हरिणी धीरे धमन्ते